लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि अगर एक इंडक्टर के साथ आर, कैपेसिटर के साथ आर कनेक्टेड हो, डीसी बैटरी हो, आप बैटरी को ऑन करें तो करंट इसमें कैसे इंक्रीज होगा? तो ग्रोथ ऑफ करंट होगा, इसमें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इंडक्टर में करंट का फॉर्मूला ये लगेगा, ये मैंने आपको नोट में लास्ट टाइम लिखवाया था, वी बाई आर वन माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इन टू टी, ग्रोथ ऑफ करंट, और कैपेसिटर के अंदर करंट ये रहेगा, और मैंने ये फॉर्मूला नोट करने को भी कहा था, फॉर्मूला बुकलेट में आप नोट कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? अब इस क्वेश्चन में ये गिवन है, और ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल के लिए है, मेडिकल के लिए नहीं है। प्लीज़, क्वेश्चन है कि अगर आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी है, मैं स्विच को ऑन करता हूँ, तो करंट थ्रू सी एंड एल वुड बी इक्वल, कितने समय के बाद करंट सी और एल में इक्वल हो जाएगा? अब इंडक्टर में करंट इसके इक्वल है, कैपेसिटर में करंट इसके इक्वल है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लें, इक्वेट करके ये टर्म आ जाएगी। अब आपको इस क्वेश्चन में ये गिवन है आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एल सी के इक्वल है, स्क्वेयरिंग करके आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, तो एल बाई यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक आर नीचे ले जाओ, तो R बाई एल की रेशियो आ गई 1 बाई आर सी, तो यहाँ पर 1 बाई आर सी पुट करें। मैथ के लोग अब जानते हैं आगे क्या काम करना है इसे, तो अगर स्मॉल t निकालना है तो एक्सपोनेंट से स्मॉल t कैसे निकालना है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो लॉग की फॉर्म में आपके साथ आंसर आ जाएगा, आंसर मार्क कर लेना। तो मेडिकल में नहीं आएगा, नॉट फॉर मेडिकल प्लीज। क्वेश्चन नंबर टू, हमने डिस्कस किया था ये पहले असाइनमेंट में, कि अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली गिवन हो, ई वन साइन ओमेगा टी प्लस ई टू कॉस ओमेगा टी, तो आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज बतानी है क्या होगी। इस इक्वेशन को देखते हुए ई नॉट क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी, हमने किया हुआ है साइन का कोफिशियंट और कॉस के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये क्या आ गया, ई नॉट आ गया। ई आरएमएस क्या होगा, ई नॉट बाय रूट टू, तो ई नॉट को रूट टू से डिवाइड करेंगे, ई आरएमएस आ जाएगा। ये भी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ अ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट का मतलब डीसी, तो डीसी की वैल्यू इसमें ए है, सुपर इम्पोज्ड ऑन एसी, सुपर इम्पोज का मतलब करंट को मिला दिया, तो करंट मिला के नया करंट ये आ गया, डीसी और एसी का कॉम्बिनेशन, तो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज। आपको क्या निकालना है, अफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग करंट निकालना है, अफेक्टिव वैल्यू का आर एम एस वैल्यू निकालनी है, एक ही बात है, अफेक्टिव आर एम एस वैल्यू एक ही बात है। तो आपको ये आई की वैल्यू पता लग गई, RMS का फॉर्मूला हमें आता है अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर डी टी बाई टोटल टाइम, I की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दी, इसका होल स्क्वायर आ गया, तो इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो यहाँ से कॉमन आ गया a, यहाँ से कॉमन आ गया बी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आ गया टू ए बी, वन डी टी की इंटीग्रेशन t है, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन t बाई टू है, और साइन की इंटीग्रेशन जीरो है, तो यहाँ से सॉल्व करके t t t कैंसिल, तो आंसर आ जाए। तो ये मेथड भी क्लियर आया था, ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले भी किया था। क्वेश्चन नंबर फोर भी ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी की शीट में किया हुआ है, कि अगर आपके सामने करंट का ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये देखो ये रिपीट होता जा रहा है, तो आपको ये बताना है मीन वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू इसमें क्या होगी, मीन करंट क्या होगा। तो मीन करंट का मतलब एवरेज करंट क्या होगा, एवरेज करंट होता क्या है, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। तो एक ये साइकिल रिपीट हो रहा है, एक साइकिल ले लो, इसके अंदर टोटल चार्ज क्या होगा, इसका एरिया, तो ये स्क्वायर का एरिया और ट्रायंगल का एरिया, डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ टोटल टाइम है टी, टी 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 अगेन कैंसिल, एवरेज करंट की वैल्यू आएगी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ से शुरू करना है, क्वेश्चन नंबर फाइव देखें प्लीज। तो क्वेश्चन है,
इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कैपिटल बी, तो कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड है, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल, तो आपको क्वेश्चन में एक सेमी सर्कुलर वायर गिवन है और जिसका रेडियस स्मॉल आर है, तो ये सेमी सर्कल वायर है, मैग्नेटिक फील्ड पर पेंडिकुलर है और अबाउट ये रोटेट करती है, डायमीटर को एक्सिस मानते हुए, डायमीटर है इसको एक्सिस मानते हुए रोटेट करती है, तो ये क्वेश्चन एसी का नहीं है, ये क्वेश्चन ईएमआई का है, तो जब एक कॉयल रोटेट करेगी तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगी, तो ईएमएफ जनरेट होगी, आपको निकालना है मीन पावर जनरेटेड पर रोटेशन क्या होगा, एवरेज पावर निकालनी है, तो एवरेज पावर बाद में निकलेगी, रेजिस्टेंस इस की कैपिटल आर है, पहले ये बताओ फ्लक्स कैसे चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा बी ए कॉस ओमेगा टी, एरिया सेमी सर्कल का क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, फ्लक्स आ गया, ईएमएफ क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की वैल्यू पूरी की पूरी उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी, बी कॉन्स्टेंट है, पाई आर स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट है, कॉस ओमेगा टी की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी वन, तो ये टर्म आ गई ईएमएफ की, ये ईएमएफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, चेंज, तो पावर क्या होता है, ई स्क्वायर बाई आर, ई क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रही है, इस पूरे ई को यहां पुट करेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी स्क्वेयरिंग करके, ये पावर टाइम के साथ चेंज हो रही है, आपको कौन सी पावर निकालनी है, आपको इसमें एवरेज पावर निकालनी है, तो अगर आपको इसमें एवरेज पावर निकालनी है तो जैसे एवरेज करंट का क्या फॉर्मूला था, आई डी टी की इंटीग्रेशन बाई टी, एवरेज पावर का फॉर्मूला है पी डी टी की इंटीग्रेशन बाई टी, ये इंस्टेंटेनियस पावर को यहां पे पुट करेंगे, कांस्टेंट सारा का सारा कांस्टेंट आएगा, सिर्फ साइन स्क्वायर बच जाएगा, साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन का एवरेज वैल्यू क्या होती है, टी बाई टू, तो टी से टी कैंसल, आपके पास ये ऑप्शन आएगा, तो रूल सिंपल है, थोड़ा मैथ्स इसमें लग रहा है, तो पहले आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है, फिर इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है, फिर एवरेज पावर निकालने के लिए फिर से इंटीग्रेशन करनी है, क्लियर है यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स में डाउट, सिक्स क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको आर एल और सी किसमें गिवन है, सीरीज में गिवन है, इसके अंदर ये 400-400 वोल्ट है, इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज बराबर है, और अगर ये बराबर है तो नेट वोल्टेज इसमें जीरो आएगी, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किसमें, इन रेजोनेंस है, तो अगर ये क्वेश्चन रेजोनेंस में है आपको बताना है कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगी और रीडिंग ऑफ एम मीटर क्या होगी, देखो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगी, इनकी नेट वोल्टेज तो जीरो हो गई, तो जो वोल्टेज यहाँ पर होगी वही वोल्टेज यहाँ डेवलप हो जाएगी, यहाँ पे वोल्टेज होगी क्या आरएमएस, तो आरएमएस वैल्यू ओके, यहाँ पर वोल्टेज होनी चाहिए आरएमएस, वी आरएमएस एक्चुअल में होनी चाहिए 220/√2, ऐसा ना ऑप्शन गिवन नहीं है, तो मे बी वो आपको मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू के साथ आंसर दे रहा है, तो आंसर क्या मार्क कर दिया 220, तो 400-400 तो कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन देख लिया ना 220 आंसर है, तो 220 मार्क कर दिया, ये आरएमएस, ओ सॉरी, हाँ ये वी नॉट तो है ही नहीं, तो वी आरएमएस है राइट, तो ठीक है ये वी नॉट मुझे लगा ये साइन फंक्शन के राइट, तो ये वी आरएमएस है, तो ये 220 ही होगी, बिल्कुल सही सोच रहा है, सही है, और इसमें करंट क्या होगा, इसमें करंट होगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल जेड, अब टोटल वोल्टेज की वैल्यू 220 है और जेड में क्या होगा सिर्फ आर, क्योंकि एक्सएल एक्सी के इक्वल होगा, रेजोनेंस का केस है, आर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो क्या आ गया, करंट आ गया, ठीक आंसर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेवेंथ,
क्वेश्चन है, तो इस सर्किट के अंदर द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1, V2 एंड V3 एट रेजोनेंस आर गिवन बाय, तो रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, तो V2 में नेट वोल्टेज VL और VC की तो कैंसिल होगी, तो V2 तो पक्का क्या आएगा, जीरो। अब V1 क्या होगा, इसके इक्वल होगा, तो V1 होगा क्या, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू E0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, E0/√2, तो V1 की वैल्यू E0/√2, तो V1 की वैल्यू E0/√2, तो V3 की वैल्यू भी वही रहेगी, V3 और V1 बराबर है, क्योंकि V2 तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट 8th, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L एंड रेजिस्टेंस R आर ज्वाइंड इन सीरीज, तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस सीरीज में LR एंड कनेक्टेड बाय अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो कम से कम ये क्वेश्चन AC का है, DC का नहीं है। पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्किट, देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब वो पावर डिसिपेटेड पूछेगा ना इस सर्किट में LR में, तो पावर में I²R लगाना है, I²Z नहीं लगाना, क्योंकि पावर डिसिपेशन रेजिस्टेंस के थ्रू निकलेगी, इंडक्टेंस XL के थ्रू निकलेगी नहीं, तो I²R लगाना है। लेकिन जब आप I की कैलकुलेशन करोगे उसमें V/Z लेना है, R नहीं लेना, Z पूरी रेजिस्टेंस लेनी है, इंपेडेंस लेनी है, क्योंकि RL सर्किट में टोटल करंट क्या होगा, V/R नहीं होगा, V/Z होगा, लेकिन पावर डिसिपेशन जो है वो R के थ्रू होगी, तो I²R लेना है, I की जगह V/Z लेना है, RL सर्किट का Z आपको आता है निकालना, यहां से आंसर आए, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफॉर्मर का है वैसे ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिवन है, 80 वोल्ट प्राइमरी में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंडरी में पर टर्न क्या होगा, तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, वोल्टेज इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन प्राइमरी का ये रेशियो है, प्राइमरी की वोल्टेज गिवन है, यहाँ से सेकेंडरी की वोल्टेज आ गई, आपको नंबर ऑफ जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो पर टर्न निकालना है, तो 240 को नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, दिस इज पोटेंशियल पर टर्न, ये आंसर है। 10th देखो,
क्वेश्चन है, अ सोलेनोइड कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर आर। तो एक सोलेनोइड आर के साथ कनेक्टेड है, साथ में एक बल्ब भी कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, इज एडजस्टेड सो दैट व्हेन के इज क्लोज, के को दबाएंगे, इंपॉर्टेंट इंडक्टर के साथ एसी नहीं है, यहाँ पर डीसी है। अब ध्यान से, अब डीसी है तो ग्रोथ ऑफ करंट का टॉपिक है, करंट ग्रो करेगा, ठीक। ये फेजेस फेजर का काम नहीं है इसमें, साइन कॉस नहीं है, इसके अंदर करंट ग्रो करेगा, जैसे आप इसे ऑन करेंगे करंट ग्रो करेगा। वो कह रहे करंट ग्रो करेगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा, और अब वो क्या कह रहे हैं, देन द स्विच के इज सडनली ओपन, आपने दबाया था ओपन कर दिया, जब आपने इसको दबाया था ना तो करंट ग्रो किया, कुछ देर के बाद उसने मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली, तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली इसने, मैक्सिमम वैल्यू पे इंडक्टर का रोल क्या हो गया, खत्म ही हो गया, बात खत्म, क्योंकि इंडक्टर में एक्सएल तो जनरेट होगा नहीं, मैक्सिमम वैल्यू पे बात खत्म हो गई। जब आपने इसको हटा दिया, स्विच को ओपन किया, ओपन करना बैटरी हटा दी, बैटरी हटाई, अब इंडक्टर रेजिस्टर कनेक्टेड आपस में, अब एनर्जी जो करंट था इससे पहले मैक्सिमम था इंडक्टर का आई नॉट, लेकिन स्विच ऑफ करते ही करंट एकदम जीरो होगा, इंडक्टर नहीं चाहेगा ऐसा कि जीरो, इंडक्टर अपने अंदर इंड्यूस करंट पैदा करेगा जो देगा किसको, बल्ब के थ्रू रेजिस्टर को, बल्ब में वो करंट जाएगा इंड्यूस करंट, बल्ब बुझने की बजाय क्या हो जाएगा, एकदम ग्लो करेगा, तो ग्लो वेरी ब्राइटली फॉर अ मोमेंट, क्योंकि इंडक्टर करंट को एकदम गिरने नहीं देगा, उल्टा जैसे ही करंट गिरेगा उसे इंड्यूस करंट पैदा करके उसको ऑन कर देगा और फिर वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ तो होगा लेकिन फॉर अ मोमेंट क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? कैसे, ये रही बैटरी है, एसी का सिंबल तो वो होता है ना, साइन, एसी का सिंबल तो ये होता है ना, लगा होता है, अगर यहाँ पर ये लगा हुआ है ऐसे तो एसी है, और अगर बैटरी लगी है फिर तो पक्का ही डीसी है, बैटरी तो एसी करंट देती नहीं है, ठीक, डायग्राम से पता लग जाएगा। अब देखो ये करंट क्या है, ये डीसी है, और देखो बैटरी लगी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक, सिंबल चेक करना। तो ये आंसर मैंने गलत मार्क कर दिया मेरे को लगता है, क्या करेक्ट आंसर होगा चेक करना प्लीज, ये गलत आंसर मार्क्ड है, क्या आंसर होगा, हाँ ग्राफ वाला क्या आंसर होना चाहिए, बैटरी है, आरएल है, स्विच है, मैंने स्विच को क्लोज कर दिया एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो करंट इसमें ग्रो करेगा, करंट ग्रो करेगा तो ग्रोथ ऑफ करंट है, ग्रोथ ऑफ करंट का ग्राफ ये नहीं बनता था एक्सपोनेंशियल ऐसे, ये ग्राफ बनेगा, ये नहीं बनेगा, मैंने डीके का कर दिया, तो होना क्या चाहिए था इसमें, ग्रोथ का है, अगर बैटरी हटा दी फिर ये ग्राफ बनेगा, ये डीके ऑफ करंट का ग्राफ है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने, तो बैटरी ऑन करते ये ग्रोथ ऑफ करंट का टॉपिक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12th ओनली फॉर नॉन मेडिकल, मेडिकल में नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले जाए। क्यों उल्टा पढ़ा मैंने, क्यों इसमें क्या लिखा, स्विच एस ऑफ द सर्किट इज क्लोज्ड एट टी इज इक्वल टू जीरो, ईएमएफ है, हाँ तो मैंने भी तो वही पढ़ा, स्विच एस ऑफ द सर्किट इज क्लोज्ड एट टी इज इक्वल टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे क्लोज किया, फिर ओपन कब किया इसने, तुम्हारी बात अगर मान भी लूं कि क्लोज्ड है वो स्विच, तो ओपन कब किया उसने, डीके कैसे हुआ, तो नहीं वो इसका मतलब यही है कि क्लोज का मतलब उसे क्लोज किया गया एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इक्वल टू क्लोज किया गया तो ग्रो हो गया करंट ऐसे। इस क्वेश्चन में ईएमएफ,
इसके अंदर एक ईएमएफ गिवन है 15 वोल्ट की, ईएमएफ गिवन है तो फिर से डीसी गिवन है, एसी नहीं है, एल गिवन है, आर गिवन है, एलआर सर्किट है। आपको बताना है रेशियो ऑफ करंट एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी एंड 1 सेकेंड। जब आपने बैटरी को एलआर के साथ कनेक्ट किया तो फिर से क्वेश्चन ग्रोथ ऑफ करंट का क्वेश्चन है। ग्रोथ ऑफ करंट में करंट का ये फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने कर लिया था, इसमें आपको R और L गिवन है, पुट करके ये करंट की वैल्यू आ गई। करंट टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहे हैं। एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी करंट क्या होगा, टाइम को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो मैथ्स वालों को पता है ये टर्म जीरो हो जाएगी, करंट I नॉट रह जाएगा। एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये करंट आ जाएगा। तो आपको रेशियो निकालना है करंट एट इन्फिनिटी करंट एट टाइम t इक्वल टू 1, इनको डिवाइड करके ऐसा आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा, मेडिकल में नहीं आएगा, नॉन मेडिकल वालों के लिए है ये, पर समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, डिवाइड करना है, आंसर आएगा। नेक्स्ट 13, तो क्वेश्चन है एक वायर है सी डी और जिसकी लेंथ क्या है एल एंड मास क्या है एम, इसको हमने ड्रॉप किया तो वेट की वजह से नीचे आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रेजेंट है बोर्ड के अंदर तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता हुआ आ रहा है तो इसमें इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या होगी, बी एल वी बाय आर। तो इसके अंदर फोर्स भी जनरेट हो जाएगी फ्लेमिंग के रूल से ऊपर की तरफ, जो रॉड को गिरने से रोकेगी, क्योंकि रॉड गिरने से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट ऐसा पैदा होगा कि इसमें फोर्स इसके इक्वल आ जाएगी। ये फोर्स हमने ईएमआई चैप्टर में की हुई फॉर्मूला याद है हमें, ये फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी जो रॉड को नीचे गिरने से रोकेगी। रॉड को नीचे गेयर कौन रहा है, वेट एम जी, तो अगर एम जी डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर हो जाए तो एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगी और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और आपको कांस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कांस्टेंट वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। ठीक है यहां तक, ठीक है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है 14,
तो क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट आर इज अ प्योर रेजिस्टर, तो ये प्योर रेजिस्टर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, और एल इज अ प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर का मतलब इसमें एक्स एल तो हो सकता है लेकिन इसमें आर कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सोर्स है 100 वोल्ट का, दो केस हैं, दो केस में देखो करंट की वैल्यू इसमें क्या होगी, एक बार चेक करना।
हाँ जी, तो इसमें क्वेश्चन है कि देखो, एक प्योर इंडक्टर है, एक प्योर रेजिस्टर है। ध्यान से समझना प्लीज। सबसे पहले हमने सोर्स लगाया 100 वोल्ट का, 50 हर्ट्स पे, और फिर हमने सोर्स लगाया 100 वोल्ट का 100 हर्ट्स पे। तो चेंज क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी। दो केस हैं, एक बार फ्रीक्वेंसी 50 है, एक बार फ्रीक्वेंसी 100 है। जो रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस, इसको फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना है नहीं। फर्क किसे पड़ता है? इंडक्टेंस को, क्योंकि इंडक्टर है वो एक्स एल है, एक्स एल एल ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू जब डबल करोगे तो एक्स एल की वैल्यू भी डबल होगी। ठीक है, यहाँ तक एक एक करके केस डिस्कस करते हैं। पहला केस, जब मैंने सिर्फ के वन को प्रेस किया, बस मैंने के वन को प्रेस किया, कुछ नहीं किया, के टू को तो प्रेस ही नहीं किया, तो इंडक्टर ने तो अपना रोल प्ले करना है ही नहीं। अभी सिर्फ रेजिस्टर अपना रोल प्ले करेगा। रेजिस्टर को, रेजिस्टर कहता है यार फ्रीक्वेंसी जो मर्जी दे दो, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप जो भी मुझे करंट, जो भी मेरे को आप फ्रीक्वेंसी दोगे, रेजिस्टर को फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर इसको ऑन किया तो यहां पर करंट क्या था? आई। क्वेश्चन में गिवन है कि करंट पहले केस में कितने है? आई। तो जब आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया और के वन को प्रेस करके रखा, तो आई में कोई चेंज नहीं आया। तो के वन प्रेस करने पे करंट की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं या कम रहें। तो पहला पार्ट है, के वन को प्रेस करने में करंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। तो पहला आंसर आया गया। अब वो कहते हैं जी के टू को बंद करते हैं। अब ध्यान से, के वन एक एक करके बंद करना है। अब के वन को ओपन कर दो। के वन को ओपन करने का मतलब रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, आप सिर्फ किसका रोल है? के टू को प्रेस करने का, मतलब इंडक्टर का रोल है। अब अगर इंडक्टर का रोल है तो फिर उस केस में करंट क्या हो जाएगा? ई डिवाइडेड बाय एक्स एल, आर की जगह एक्स एल हो जाएगा, जो कि एल ओमेगा। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो करंट आपका क्या हो जाएगा? हाफ। तो अगर पहले करंट आई था, अब कितना हो गया? आई बाय टू। तो यानी कि दूसरे केस में करंट क्या हो गया? आई बाय टू। पहले केस में तो आई रहेगा, दूसरे केस में आई बाय टू। समझ में आ रहा है कि कैसे सोचते हैं इस क्वेश्चन को? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर जब भी क्वेश्चन में वर्ड यूज हो स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब कांस्टेंट करंट है, यानी कि मैक्सिमम करंट है इसमें, वही स्टेडी स्टेट है। तो जब आप इसको स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी लगी हुई है, एसी का क्वेश्चन है, डीसी का क्वेश्चन है, तो स्टेडी स्टेट का मतलब बैटरी लगी हुई है, और स्टेडी स्टेट का मतलब मैक्सिमम करंट है। तो इंडक्टर अपना रोल प्ले करना बंद कर देता है, वो कहता है मेरे को लगाओ ना लगाओ फर्क तो पड़ता नहीं, मेरा एक्सेल तो हो गएगी। तो अब वो कह रहे हैं ये बताओ कि स्टेडी स्टेट में करंट की वैल्यू क्या होगी। तो स्टेडी स्टेट में पहली बात तो एक काम करो यार, इन दो इंडक्टर की जगह पहले एक इंडक्टर लगाओ, तो आंसर क्या आएगा? 12/3। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टेडी स्टेट का मतलब है कि इंडक्टर का कोई रोल है ही नहीं, तो सिर्फ रजिस्टर का रोल है। तो करंट क्या होगा? सिर्फ वी बाय आर, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं इसमें, इंडक्टर का रोल है ही नहीं, वी बाय आर से आंसर आएगा। नेक्स्ट है, वी आर एम एस होना चाहिए था उसमें।
देखो इसमें क्या है, पार्ट ऑफ एसी सर्किट गिवन है, कैपिटल आर की वैल्यू गिवन है, और किसी भी इंस्टेंट पर वी ए माइनस वी बी की वैल्यू 0.5 गिवन है, करेक्शन है। आपको किसी भी इंस्टेंट पर करंट भी गिवन है 0.5 है, और डी आई बाई डी टी गिवन है और इंक्रीजिंग गिवन है। तो मैंने आपको बताया था इसमें एल निकालना है, तो आपको मैंने शीट में लिख के भी दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट की डायरेक्शन में चल पड़ो, तो वी ए माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी। तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लगा दिया, जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगाते थे, ठीक। तो वी ए माइनस वी बी एक तरफ, आपको क्वेश्चन में वी ए माइनस वी बी गिवन है, डी आई बाई डी टी गिवन है, और आई गिवन है और आर गिवन है, यहाँ से सॉल्व करके एल कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक, यहाँ से एल आ जाएगा। नहीं मैंने करेक्शन किया उसमें, प्लस 0.5 कराया मैंने, ठीक। तो कैसे इक्वेशन बनेगी समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट, क्वेश्चन है इसको देखते हुए आंसर मार्क करना है, किरचॉफ लॉ लगा दो। तो करंट की डायरेक्शन में चलो, तो प्लस से माइनस, तो माइनस ई वन माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस से प्लस है तो प्लस ई टू इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व करके आंसर देख लो क्या ऑप्शन मार्क करना है। तुमने किया था इलेक्ट्रिसिटी में, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस ई वन, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई आर, इंडक्टर आ गया माइनस एल डी आई बाई डी टी, और माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस ई टू इक्वल टू जीरो। 18th, क्वेश्चन है इन दिस सर्किट, देखो ये अलग सा क्वेश्चन है, इसके अंदर एक इंडक्टर और एक बैटरी कनेक्टेड है। क्वेश्चन में ये गिवन है, पहले एक्स को वाई के साथ ज्वाइन कर दिया, तो एक्स जब वाई के साथ ज्वाइन करेंगे तो बैटरी में से करंट निकलेगा और ग्रोथ ऑफ करंट हो जाएगा। एसी का क्वेश्चन तो है नहीं, डीसी का क्वेश्चन है, तो डीसी करंट इसमें ग्रो करेगा टाइम के साथ, और टाइम कॉन्स्टेंट इसमें टाउ है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द करंट। फिर क्या हुआ, करंट स्टेडी स्टेट पे आ गया, कभी ना कभी ये मैक्सिमम करंट पे आ जाएगा आई नॉट पे, फिर इंडक्टर अपना रोल प्ले करना बंद कर देगा, मैक्सिमम करंट आई नॉट इसमें चलता रहेगा,
जब ऐसा हुआ तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और इस कनेक्शन को जेड के साथ कर दिया। अब यानी कि इंडक्टर बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं रहा। अब इंडक्टर क्योंकि ग्रोथ ऑफ करंट है तो इंडक्टर का XL भी होगा और R भी होगा, क्योंकि इसमें ग्रोथ ऑफ करंट है, L और R दोनों को कंसिडर करना पड़ता है। तो इस केस में वो ये कह रहे हैं कि जब स्टेडी स्टेट पहुंच गया था, मैक्सिमम करंट इसमें हो गया था, तो हीट प्रोड्यूस कॉइल में पी थी। तो जब एक्स को जेड के साथ कनेक्ट किया तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड क्या थी? तो पहले क्या गिवन है, हीट प्रोड्यूस कॉइल में पी थी। अब टोटल हीट की वैल्यू क्या है आपको ये बतानी है। चलो एक एक करके करते हैं। पहले एक्स को वाई के साथ कनेक्ट करते हैं। एक्स को वाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो पावर क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर आर, क्योंकि पावर डिसिपेशन किस में रहती है, ओनली रजिस्टर में, और मैक्सिमम और स्टेडी स्टेट करंट में एक्स एल का तो कोई काम है ही नहीं, तो सिर्फ आई नॉट बचेगा और आर बचेगा। तो पावर क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर आर। तो यहां से यूज करेंगे आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू, आ गई, बात खत्म हो गई। अब जब इसमें करंट आई नॉट था तो एनर्जी इंडक्टर में किस फॉर्म में थी, मैग्नेटिक की फॉर्म में थी। मैग्नेटिक की फॉर्म में का मतलब है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। जब बैटरी हट गई, ये सारी एनर्जी जो मैग्नेटिक है वो हीट की फॉर्म में बाहर आने वाली है, तो यही आपकी हीट एनर्जी जो बाहर आएगी यही आपको कैलकुलेट करनी है। आई नॉट स्क्वायर ऊपर से पुट कर ले पी बाय आर, यहां से एल बाय आर एक ब्रैकेट में, और एल बाय आर क्या होता है, टाउ। आंसर हाफ इंटू टाउ इंटू पी आंसर है। ठीक, तो दो केस बनेंगे इसमें, और दो केस कैसे बनेंगे, क्लियर है यहां तक? सर एक बार सेकंड केस बता दो। सेकेंड केस में क्योंकि इसमें आई नॉट स्टेडी करंट था ना, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, जेड के साथ कनेक्ट किया, तो करंट अगर आई नॉट था इंडक्टर में तो मैग्नेटिक एनर्जी थी इसमें एच। तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और यही मैग्नेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर आएगी। तो आई नॉट स्क्वायर यहां से पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर। ओके सर।